स्वागत है आप सभी का एक और बार मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है देवराज, आप देख रहे हो देसी ट्रैवलर। आज हम लोग खारू से शिफ्ट होके ले में आए हैं एक गेस्ट हाउस में, जिसका नाम है मूनलैंड गेस्ट हाउस। तो गेस्ट हाउस का जो व्यू है या फिर एक टूर मैं दूंगा आपको, बहुत ही प्यारा सा गेस्ट हाउस और रूम जो है कुछ इस तरह है। यहाँ अटैच बाथरूम, थोड़ा सा रूम की मैं आपको टूर दे देता हूँ। ये है बहुत ही सीधा सा सादा सा बाथरूम। यहाँ पे कुछ एक वार्डरोब है रखने का। यहाँ पे मैं ना थोड़ा पहले ही दिखा देता हूँ, क्योंकि बैग वैग खोल लेने के बाद ना घर और दिखाने लायक नहीं रहता है। तो ठीक है, ये ऐसा कुछ बिस्तर है, बहुत ही वार्म दिख रहा है, बहुत ही कोजी दिख रहा है। और यहाँ पे है टीवी, जो हमारा कोई काम में नहीं लगने वाला है। यहाँ पे सोफा वगैरह है बैठ के चाय वगैरह पीने के लिए। और खोलो खोलो, और यहाँ से जो है पूरा इस गेस्ट हाउस का गार्डन व्यू आपको मिलता है कुछ इस तरह। तो अभी ये बहुत ही छोटा सा एक ग्लिम्स था, मैं नीचे जाऊंगा। बहुत ही वेल डेकोरेटेड एक गेस्ट हाउस है, मैं इसका पूरा टूर आपको दूंगा। पहले थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ और आगे की प्लानिंग के बारे में बताता हूँ। जानसकर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे जाएंगे और क्यों हिच हाइक नहीं करेंगे। अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:30। तो मैं गया था कल का जुगाड़ करने। कल का जुगाड़ मतलब कल निकल रहे जानसकर के लिए। तो कल भी आए थे ले में थोड़ा खोजबीन करने के लिए। तो कल कुछ ऐसा था मसला कि करीब करीब 2500 रुपये बोल रहे थे एक एक जन का ले से जानसकर जाने के लिए। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, और 450 किलोमीटर का है और वहाँ पे ना बसेस वगैरह नहीं जाती है। वहाँ पे आपको शेयर टैक्सी करके जाना पड़ेगा। तो शेयर टैक्सी में 7 बंदा लेता है, तो 2500 करके समझ रहे हो कितना हो जा रहा है। तो ठीक है, हम तो ठहरे 2, और जो बंदा जितना ज़्यादा पैसा दे के बुक कराएगा उसको उतना अच्छा सीट मिलेगा, ऐसा है मसला वहाँ पे। तो सुबह से मैं वहीं पे था, बहुत ज़्यादा लड़ झगड़ के 1800 में जो है अपना डील फाइनल किया, और बीच वाला सीट और पीछे वाले सीट पे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। अब आज का मसला है कि हम हिचाई करके जानसकर क्यों नहीं जा रहे। हिचाई करके जानसकर हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हिचाई करने के लिए गाड़ियाँ नहीं मिलती है। बहुत खोजबीन करने के बाद पता चला कि जानसकर का जो रास्ता, मतलब जो रास्ता मैं चूज़ किया हूँ, मतलब लामायरू से वांगले होके जो रास्ता जाने वाला है, वो रास्ते में गाड़ियाँ एकमात्र शेयर टैक्सियाँ चलती है। ज़्यादातर शेयर टैक्सियाँ जो है मतलब ले से ही भर के निकलती हैं, तो रास्ते में मिलने का कोई चांसेस है नहीं। बाकी छोटी गाड़ियों का मिलने का चांसेस वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि अभी सीज़न एंड पे है और जो हमारा मेन भरोसा रहता है मतलब लिफ्ट का, वो है लोकल्स और बड़ी बड़ी ट्रकें या फिर छोटी ट्रक। तो ट्रक तो वहाँ चलती नहीं है क्योंकि रास्ता बहुत ही छोटा है। तो पदम का जो होस्ट है उसने भी मुझे सजेस्ट किया कि भाई तुम यहाँ पे हिचाई करके मत आओ, तुम मतलब फंस जाओ, गाड़ी ले लो आराम से, थोड़ा पैसा जाएगा पर ठीक है, एक्सपीरियंस बाद में करना, जब सीज़न रहेगा उस समय आना हिचाई करते हुए, तब ठीक रहेगा। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, इस बार मनीषा भी है तो ज़्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। तो इसी के कारण हमारा हिचाइकिंग का जो प्लान है वो कैंसिल हुआ, पर हम जानसकर जा रहे हैं। बाकी जो गेस्ट हाउस में हम लोग हैं वो गेस्ट हाउस के टेरेस में हूँ हम लोग। टेरेस भी नहीं है, छोटा सा ही मतलब बालकनी टाइप का है, हमारे रूम के साथ अटैच तो नहीं है पर थोड़ा अलग है, पर बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ से नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह, जैसे मैंने अपने रूम से दिखाया था ना वैसा ही है। और सूरज का फ़ायदा उठा के थोड़ा हमने अपना कपड़ा वपड़ा भी थोड़ा बहुत जो गंदा था वो भी धो लिए। तो कल सुबह हम लोग निकल रहे हैं जानसकर के लिए। और मेन बात है कि हम लोग अभी क्या खा रहे हैं, अभी हम खा रहे हैं कि ले मार्केट में ना एक बहुत अच्छा मिठाई का दुकान है, तो भाई साहब है बिहारी, यहाँ पे आके अपना बिजनेस का डेरा बहुत अच्छा से लगा लिया और खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं। तो वहाँ से हम लोग ने कल छोले कुलचे खाए थे, बहुत अच्छा लगा था। आज भी वही लाया हूँ, और देख रहा था कि गर्म गर्म समोसे भी तल रहे हैं, तो लगे हाथ मैं वो भी लेके आ गया। तो आज का लंच हम यही करने वाले हैं, और अगर आप ले मार्केट में आते हो तो यहाँ का लोकल फ्रेश एप्पल ज़रूर ट्राई करना। मैं कुछ खरीद लिया हूँ, समोसे के साथ नहीं, अलग ही ट्राई करना। मैं एग्जैक्टली दुकान तो नहीं बता पाऊँगा कहाँ पे है, पर आके ढूंढ लेना, खाते खाते समझ लेना वही वाला दुकान है। खा के जल्दी से नीचे जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि इस गेस्ट हाउस का इंटीरियर जो है वो बहुत ही अच्छा है, तो पूरा एकदम वुडन फिनिश में है। यहाँ पे तो सांस चढ़ता है, बहुत बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग सोच रहे थे कि दोपहर को क्या करें, थोड़ा अच्छा धूप रहता तो सोच रहे थे कि थोड़ा इसके सामने ना बहुत अच्छा ही है, तो उसी की थोड़ा आसपास घूम लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह, बहुत ही वेल डेकोरेटेड है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है और बहुत ही अच्छा है। तो अभी थोड़ा थोड़ा मतलब सनलाइट है ना, अभी बज रहे हैं 5 बजे के करीब, तो अभी ये मतलब आपका पूरा गोल्डन पीरियड है, मतलब बोलते हैं ना वो मतलब फ़ोटो खींचने का जो बेस्ट टाइमिंग होता है इसी टाइम होता है। तो
हम क्या है ना, मतलब सुबह से थोड़ा फोटो ही खींचते जा रहे हैं, अच्छा लोकेशन मिलने से जो होता है। और रूम के अंदर भी मतलब सनलाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, इतना अच्छा लाइट खिल रहा है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो नज़ारा है कुछ इस तरह। यहाँ पे देखो अभी भी पेड़ पे पूरा सेब लगे हुए हैं, ये देखो। और प्रॉपर्टी कुछ इस तरह, और यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आपका कुछ रिसेप्शन एरिया अभी तो खाली है खैर, और यहाँ पे आप आराम से बैठ के गप्पे शप्पे लगा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। एक बहुत अच्छा मतलब कम्युनिटी हॉल जैसा है, थोड़ा थोड़ा मतलब नीचे बैठ के गप्पे मारने के लिए, तो सही है, बहुत सही है। पूरा वुडन फर्नीचर, यहाँ भी इनका कुछ पर्सनल है। और यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है, बहुत ही छोटे से जगह पे बहुत कॉम्पैक्ट सा बनाया हुआ है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। असल में मैं यहाँ पे बुकिंग करने से पहले ना इतना कुछ देखा भी नहीं था, जस्ट मैंने इनको फ़ोन किया और पूछा कि रूम है कि नहीं, बस आके देख रहा हूँ कि इतना अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। और रूम में भी क्या है ना, बहुत अच्छा लाइट का जो प्ले होता है ना, वो बहुत अच्छा है, इसीलिए अलग से फिर सूरज का मतलब दरकार नहीं हो रहा है, मतलब अलग से फिर सनलाइट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो कल हम निकल रहे हैं जांसकर के लिए। एक मसला हो गया कि अभी जाना पड़ेगा मेरे को ATM, अभी इस रात के बज रहे हैं 7, और देख रहे हो कितना हवा चल रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है यहाँ पे रात को। तो मैंने ओनर से बात किया, उनसे बोला कि सर जी मैं एक्स्ट्रा कैश आपको थोड़ा ट्रांसफ़र कर दो, आप दे दोगे, तो उनके पास ऑनलाइन का कोई व्यवस्था नहीं है, तो अभी मेरे को ले मार्केट जाना पड़ेगा वो ATM विदड्रॉल करने के लिए, क्योंकि जांचकर में अगर एक बार मैं चला गया तो उसके बाद कैश मेरे को कोई नहीं देगा, उसके बाद मतलब नेटवर्क भी कितना काम करेगा कि नहीं करेगा वो भी नहीं पता। तो ठीक है, जाते हैं, अब देखते हैं क्या करते हैं, लिफ्ट लेके जाते हैं या फिर पैदल जाते हैं, कुछ पता नहीं है, आके मिलते हैं। चलो बाकी सब बढ़िया है। तो भूख इतना तेज लगा था ना भाई, मैं क्या बोलूँ। तो खाना आज हम लोग बाहर से लाए थे, खाना लाए थे कि वो मिक्स फ्राइड राइस लाए थे, उसके लिए मैं अपने लिए रोटी लाया था और आलू साथ मटर में आलू मटर था। भाई इतना इतना तेज भूख लगा था ना, आके मतलब याद ही नहीं है कि वीडियो करना है या फिर बताना है या फिर हम लोग ये खा रहे हैं। देखो तो खाना वाना होके पैक वैक करके मतलब खा, ये हम फेंकने जा रहे थे, फिर याद है अरे हम तो वीडियो बनाया ही नहीं खाने का। तो ठीक है, जो भी है जैसा भी है, मतलब ठंडा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मतलब हाथ खाने के बाद ना हाथ भी धोने का मन नहीं कर रहा है, सब काम मतलब मैक्सिमम काम जो है मतलब टिश्यू पेपर से ही हो रहा है। तो ठीक है, आज थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी पैकिंग करेंगे और कल सुबह 5:30 बजे गाड़ी आ जाएगी, और गाड़ी में हम लोग कल निकलेंगे जांस्कर। मेन जो ट्रिप है वो कल से शुरू होगा, क्योंकि हम कल निकलेंगे जांस्कर की तरफ। कम से कम 10-11 घंटे का जो है हमारा कल मतलब सफर होने वाला है। तो और रास्ता भी ऐसा नहीं है कि तो मक्खन की तरह रास्ता, रास्ता जांस्कर का तो आपको आइडिया है ही, तो जैसा भी रास्ता होगा वो तो आपको दिखाएंगे ही, जो जो पासेज आता है दिखाने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए आज हमें थोड़ा जल्दी सोना पड़ेगा। तो आज का वीडियो में दोस्तों यहीं तक, मैं बहुत जल्द मिलूंगा कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट। हाँ दूर जाओ दूर जाओ। भाई ये जगह मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, ये देख रहे हो एप्पल के पेड़ में कैसे एप्पल लगे हुए हैं, यहाँ एक है फिर यहाँ एक है, ये देखो। Come all ye faithful.